एष सुरासुर मनुषिन्द वंदितं दौदघायिकं मनुजं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्ता। गाथा 90। तिथि यदि जीव इच्छत निर्मोहतानि आत्मनि जिन मार्गति द्रव्यमहि जानो सपर्णे गुणवै। अन्वयार्थ। अब सब प्रकार से स्वपर के विवेक की सिद्धि आगम से करने योग्य है, ऐसा उपसंहार करते हैं। यहाँ से उपसंहार प्रारंभ हो गया है ना। इसलिए स्वपर के विवेक से मोह का क्षय किया जा सकता है। पिछली गाथा हम कल चर्चा कर ली अपने स्वपर के विवेक की। आत्मा अपनी निर्मूलता चाहता हो, अब ये है सबसे, आत्मा निर्मूलता चाहता हो, वितरागता चाहता हो, सुखी होना चाहता हो, तो जिन मार्ग से गुणों के द्वारा द्रव्यों में स्व पर को जानो, अर्थात जिनागम के द्वारा विशेष गुणों से ऐसा विवेक करो कि अनंत द्रव्यों में से वह स्व, यह स्व है और यह पर है। द्रव्यों से स्व पर को जानो, विवेक की सिद्धि करने के लिए, विवेक की सिद्धि करने के लिए आगम से प्रयोग करके बता रहे हैं। ठीक है, देखो टीका, देखो गाथा कितनी सिंपल लग रही है, टीका कितनी बड़ी करी है। इसमें बहुत न्याय भरे हुए हैं टीका में, बहुत बस सिंपल थी। नहीं तो बस स्वपर का विवेक करो यदि निर्मोहता चाहते हो तो, और आगम के आधार से यदि तुम निर्मोहता चाहते हो तो विवेक करो। कल बताई थी ये बात, आप जिनागम में कुछ भी पढ़ो उसे स्वयं पर में बांटो, कुछ भी पढ़ो जिनागम में। तीन ही चीजें हैं, एक ध्रुव है, एक अपनी पर्याय है और एक संयोग है। अब कुछ भी पढ़ो, ये मेरे मम्मी पापा इधर है, ये मेरा राग इधर, ध्रुव इनमें, अब इन तीन में से मम्मी पापा मेरे, इसका अनुभव थोड़ी करना है। राग है इसका अनुभव नहीं करना है, ध्रुव का अनुभव करना है। ध्रुव की क्या विशेषता बताई, ध्रुव में कमी क्या हुई है। कल कहते दृष्टान दिए थे ध्रुव ही, ध्रुव के दृष्टान दिए था। तुम्हें एक किलो सोना दिया जाए है ना, कितने दृष्टान दिए थे, फ्री में दिया जाए, लेकिन उसमें 1,00,000 जूते मार के दिया जाए, गटर में डाल के दिया जाए, गाली दे के दिया जाए, तो आप किसके बल पर लोगे। वो ध्रुव के बल पे तो लोगे। कल ये कितने दृष्टांत दिए थे, खिल जाए तब क्या
यही समय के जैसा करना, तबीयत खेल जाए एकदम सुनते से, यदि इतना से आता तो फिर मैंने कर ली, कहीं ऐसी आवाज आएगी फिर तो स्वयं पर कभी भी कर, बस आगम में इतनी चर्चा होगी वो तो क्या है, संयोग है, विवाह है, पर्याय में दो तरह की पर्याय है, एक त्रिकाली ध्रुव है, त्रिकाली ध्रुव की विशेषता लिखो, हमने कल ही कहा लिखो, क्या जानते हो त्रिकाली ध्रुव के बारे में बताओ, तुम लिखो, जब तुम लिखोगे ना तब तुम हम बताएंगे तब समझ में आएगी मुझे, तुमने कई बार सुना त्रिकाली ध्रुव तो फिर क्या जानते हो बताओ, है ठीक है। देखो मोह का क्षय करने के लिए के प्रति मैंने प्रवण प्रवण बुद्धि वाले, प्रवण बुद्धि वाले बुद्धजन इस जगत में आगम में कथित अनंत गुणों में से किन्हीं गुणों के द्वारा जो गुण अन्य के साथ योग रहित होने से असाधारणता धारण करके विशेषत्व को प्राप्त किए हुए हैं, उनके द्वारा अनंत परद्रव्य में स्वय पर के विवेक को प्राप्त करो, अर्थात मोह क्षय करने के इच्छुक पंडित जन आगम कथित अनंत गुणों में से असाधारण और भिन्न लक्षणभूत गुणों के द्वारा अनंत द्रव्य परंपरा में यह स्वद्रव्य है और यह परद्रव्य है, ऐसा विवेक करो, जो कि इस प्रकार हम नीचे उसकी चर्चा करेंगे। एक लाइन में कहो तो क्या कहा है इसमें, आत्मा में अनंत गुण है, सभी द्रव्य में गुण है, तो विशेष जो गुण होता है वो लक्षण बन जाता है, उस गुण के द्वारा उनको भिन्न भिन्न जानो, इतना इतना ही है ना, मैं उसको पहचानो। अब बहुत अच्छी चर्चा है, शब्द बहुत गरिष्ठ है, उसकी चर्चा करेंगे। सत और अकारण होने से सत और अकारण होने से स्वतः सिद्ध अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से स्वपर का ज्ञायक ऐसा जो है मेरे साथ संबंध वाला मेरा चेतन है, उसके द्वारा जो समान जाति अथवा असमान जाति अन्य द्रव्य को छोड़कर मेरे आत्मा में ही बर्तता है, उसके द्वारा मैं अपने आत्मा को सकल त्रिकाल में ध्रुवत का धारक द्रव्य जानता हूँ। दिवाग ध्रुवत को सकाल सकल और त्रिकाल तीनों काल मैं ध्रुवत का धारक द्रव्य जानता हूँ। फिर से चर्चा कर लो, सत और अकारण होने से स्वतः सिद्ध ध्रुव कैसा है, सत और अकारण ध्रुव कैसा है, सत सत माने सत्ता वाला है, अस्तित्व वाला है, ध्रुव कैसा है, उसका अस्तित्व कभी नाश को प्राप्त नहीं हुआ, ध्रुव कैसा है जो कर्म के उदय से अप्रभावी है, ये मस्त ये समझ जाओ तो। तुम्हारा हीरा है और तुम्हें अचानक सूझ ने दिया उस पर बहुत संकट आ गया, लेकिन तुम्हें पता है कि वो हीरा अग्नि से जलेगा नहीं, पानी से भीगेगा नहीं, अप्रभावी है, अप्रभावी। ध्रुव कैसा है, अनादिकाल से शरीर के संग्रह, लेकिन वो ध्रुव सुरक्षित है, वो सत कैसा है, ध्रुव कैसा है, तुम्हें डर का क्या लगता था कर्मों का, तो कर्म के उदय से सुरक्षित है, इसलिए ध्रुव का अनुभव करने में सम्यक दर्शन होता है। बिगड़ा क्या तुम तो बता, बिगड़ा क्या, सच कह रहे ध्रुव देखने वाले, जिस कल दृष्टांत दिए इतने सारे इसलिए नहीं दे रहे, तुम अभी रो ना रो, मर गए तो कहां मर गए, ध्रुव में क्या बिगड़ा, समय पाप का उदय ने बहुत हमारे जिंदगी भर इन्होंने हमें अन्याय किया, खाने नहीं दिया, पीने नहीं दिया, अरे तो उस ध्रुव में जरूरत कहां थी, मैं हर जगह से ध्रुव को अटैच करो। सत सत त्रिकाल सत है, सब मेरा वो बहुत शुभ शब्द चला गया, चला गया शुभ शब्द त्रिकाल सत थोड़ी है, ध्रुव तो त्रिकाल सत है, जिसका अनुभव करना है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है वो तो त्रिकाल है।
सच कह रहे, त्रिकाल ध्रुव जाने का कुछ समझते ही नहीं बचते। बताओ कोई समस्या हो तो, कल भी हमने कहा था, बोलो कोई समस्या हो तो। ध्रुव समझ में आता है, क्या होता है ध्रुव, क्या होता है ध्रुव जो त्रिकालीय है और बोलिए बोलिए बोलो। तो लिखो, यही तो हम कहते हैं, लिखोगे भले कच्चा पक्का लिखो, हम आप 50 शब्द बोल जाएंगे अभी तो एक अक्षर ही समझ में आए, लिखोगे नहीं बेटे, हम सच कह रहे, क्या कहें आप, कोई प्रॉब्लम ना हो, ध्रुव में कोई ध्रुव को जरूरत ही तो नहीं है उसकी, वो रोटी खाता नहीं है इसलिए पाप का उदय आता नहीं, कर्मों से अप्रभावी तो कर्म का उदय उसमें आता नहीं, घटता है नहीं, बढ़ता है नहीं, जरूरत है नहीं, आनंद अनाधिकार से निगोद में रहता हूँ, उसमें कुछ कमी नहीं आई, भाई इसका ही तो अनुभव करना है, जिसका अनुभव करना वो तो सदा सुरक्षित ही है, अप्रभावी है, पूरा है, किंचित नहीं अधूरा। अब तुम प्रॉब्लम लेके आओ, हम तो पूरी जिंदगी गरीबी बीती, तो ध्रुव में ध्रुव को पैसे की जरूरत ही नहीं, जिसका अनुभव करने नाम सम्यक दर्शन है, आज का ध्रुव मत गरीबी को, सब भोजन नहीं मिला मत मिलना, तो शरीर को नहीं मिला, आत्मा को तो भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच कह रहे, एक ध्रुव को जानने वाले को सारी कंप्लेंट झूठी है, सारा रोना ही भी आता, जैसे चिंतामणि रहते तो चिंतामणि रहते, बिगड़ा क्या चिंतामणि का, ऐसे ध्रुव का बिगड़ा क्या है, लिखो आज ध्रुव के बारे में, फिर चर्चा करो, फिर चर्चा करो, तब तब पकड़ में आई बात, अभी हम कुछ भी सुना देते मुझे समझ में नहीं आई, और कल सच में इतना अच्छा समझाया हम बता नहीं सकते है। ध्रुव असत और अकारण होने से स्वतः सिद्ध है, त्रिकाल सत्ता है और अकारण है, अकारण माने मोक्ष जाने के कारण से ध्रुव नहीं है वो, क्या कहा, मोक्ष जाए इसलिए कारण, इस कारण से नहीं है ध्रुव, तो मत जा मोह मत जा, मोक्ष नहीं जाना मत जा, ध्रुव तो ध्रुव ही है, तुम उसे जानो इसलिए नहीं है वो, अकारण माने उसका कोई कारण नहीं है, जैसे दूध मीठा किया, क्यों क्यों मीठा किया, वो हम पीना था, क्यों दूध मीठा क्यों किया, इन्हें पीना था, तो कारण हो गया जी। हम पूछे शक्कर क्यों मीठी, शक्कर क्यों मीठी, अकारण माने उसका कोई कारण नहीं, अकारण माने स्वभाव से मीठी है, आप शक्कर को देख के कभी प्रश्न नहीं कर सकते हो, दुनिया में कोई प्रश्न नहीं करेगा क्यों ये शक्कर मीठी क्यों है, दूध क्यों मीठा किया जाए तो समझ में आता है, खीर क्यों मीठी करी ये समझ में आ सकता है, डब्बे में क्यों रख दी ये पूछा जा सकता है, थैले में क्यों रखी ये पूछा, लेकिन शक्कर मीठी क्यों है, अकारण अकारण तुम जानो इसलिए भी नहीं है, थोड़ा अच्छी सूक्ष्म बात करो, एक समय की पर्याय उस ध्रुव को जाने इस कारण भी नहीं है, क्या कहा, एक पर्याय ध्रुव को जाने इस कारण भी नहीं, मत जान, मैं ही मेरे को नहीं जान तो मत जान, हाँ अकारण परमात्मा है, अकारण ध्रुव है, कोई चीज का कारण होगा तो कारण होने पर समाप्त हो जाएगी वो चीज, सूरज गर्म क्यों होता है क्या कारण, सूरज जल में क्यों निकलता है क्या कारण, अकारण माने उसका कोई कारण नहीं है, ऐसे यहां पर कारण नहीं है, सत अकारण होने से स्वतः सिद्ध है, अरे समय दर्शन के लिए बहुत अच्छी चीज, स्वतः सिद्ध है वो, परत सिद्ध होती तो सम्यक दर्शन कभी नहीं होता, क्यों, ये देवताओं की कृपा है, माता पिता की कृपा है, शरीर की कृपा है, पैसे की कृपा है, इसलिए हमारा जन्म हो गया, पैसे नहीं होता तो पर की महिमा आएगी, अब तो यदि परता सिद्ध होगी तो देवताओं की महिमा आएगी, पैसा की महिमा आएगी, शरीर की महिमा आएगी, पुण्य के उदय की महिमा आएगी, क्या होता है पंडित जी, पुण्य का उदय तो उसकी महिमा जाएगी, लेकिन आत्मा अकारण है, स्वतः सिद्ध है, सूरज को किसने बनाया, किसी ने, स्वतः सिद्ध है, एक एक शब्द आनंद देने वाला है, स्वतः सिद्ध,
अर्थात हमें सिद्ध नहीं करना है। गुरुदेव कैसे समझाएंगे इसको, पुण्य सिद्ध नहीं लिखा, पुण्य करो ताकि ध्रुव सिद्ध हो जाए। पुण्य नहीं करना है, पाप से असिद्ध नहीं है। क्या होता है सामने अनादिकाल से पाप किया, अब ध्रुव का क्या होगा कि पाप असिद्ध नहीं। तूने बहुत पाप किए तो अभी वो मिटा नहीं, असिद्ध समझिए, नष्ट नहीं हुआ। और पुण्य करने से बनता नहीं, इसलिए पुण्य नहीं हो तो अभी मर डर, और पाप हो गए हो तो अभी मर डर, आत्मा का अनुभव करो बस खत्म। आया सत और अकारण होने से स्वतः सिद्ध है। अंतर्मुख और बहिर्मुख स्व पर प्रकाशक है ना, अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से स्व पर का ज्ञायक ऐसा जो है कैसा। अब देखो स्वतः सिद्ध तो और भी है, स्वतः सिद्ध तो पुद्गल भी है, स्वतः सिद्ध तो धर्म अधर्म आकाश काल भी है स्वतः सिद्ध। लेकिन स्वपर प्रकाशक नहीं है, स्वपर के निर्णय करने वाले नहीं है। इस ध्रुव की एक विशेषता है स्वपर प्रकाशक है, इसलिए उसका होगा। आगे समझ आया ज्ञायक ऐसा जो यह मेरे साथ संबंध वाला, मेरे साथ संबंध वाला, मेरे साथ संबंध वाला, मेरा ज्ञान मेरे ज्ञायक के साथ। क्या मतलब, स्वपर के ज्ञायक तो अरंत भी है, वो आत्मा का अनुभव नहीं करना है। स्वपर का ज्ञायक तो माता पिता भी है, स्वपर ज्ञायक का तो और भी जीव है। तो मेरे साथ संबंध वाला देखो, हाँ हाँ मुझे अपनी महिमा है, स्वपर प्रकाशक की भी महिमा नहीं है, अपनी स्वपर प्रकाशक की महिमा। सत अकारण स्वतः सिद्ध तो सभी द्रव्य उनकी महिमा नहीं है, स्वपर प्रकाशक की महिमा है। आगे आगे देख, फिर एक आगे चैतन्य समान जाति, चैतन्य समान जाति समझ गए, मेरा चैतन्य उसके द्वारा जो समान जाति और असमान जाति अन्य द्रव्य को छोड़कर मेरे आत्मा में ही बरतता है, उसके द्वारा मैं अपने आत्मा को सकल त्रिकाल में, सकल का मतलब त्रिकाल में, सकल माने त्रिकाल में ध्रुवत का धारक द्रव्य जानता हूँ। लो ऐसे त्रिकाली ध्रुव को जानता हूँ, समझ गए। सजाती में अन्य द्रव्य जीव द्रव्य भी चले गए, विजाती में पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल चला गया, मैं उसका अनुभव नहीं करता हूँ तो क्या अनुभव करता हूँ कि त्रिकाली ज्ञायक मैं ही तो हूँ, त्रिकाली ध्रुव अपने मेरे से संबंध वाला है उसका मैं अनुभव करता हूँ, द्रव्य जानता हूँ। इसी प्रकार पृथक रूप से वर्तमान स्व लक्षणों के द्वारा जो अन्य द्रव्यों को छोड़कर उसी द्रव्य में बरतते हैं उनके द्वारा आकाश धर्म अधर्म आकाश आकाश धर्म अधर्म काल और पुद्गल और अन्य आत्मा को सकल त्रिकाल में ठीक है ध्रुवत्व धारक द्रव के रूप में निषेध करता हूँ। जैसे चैतन्य लक्षण के द्वारा आत्मा को ध्रुव द्रव के रूप में जाना, उसी प्रकार अवगाहनत्व हेतु गति हेतुत्व इत्यादि लक्षणों से जो कि स्व लक्ष्य भूत द्रव्य के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, समझ गए, हर द्रव्य में अपने अपने पाए जाते अन्य में नहीं पाए जाते, उनके द्वारा आकाश धर्मास्तिका इत्यादि को भिन्न भिन्न ध्रुव द्रव्यों के रूप में जानता हूँ। इसलिए मैं आकाश नहीं हूँ, मैं धर्म नहीं हूँ, अधर्म नहीं हूँ, काल नहीं हूँ, पुद्गल नहीं हूँ और आत्मांतर नहीं हूँ। आगे अर्थात मैं छह द्रव्य नहीं, मैं तो मैं ही हूँ, बस मैं ही जीव हूँ बस, क्योंकि मकान के एक कमरे में जलाए गए अनेक दीपकों के प्रकाशों की भांति यह द्रव्य इकट्ठे होकर रहते हुए भी मेरा चेतन निस्वरूप से अच्युत ही रहता हुआ मुझे पृथक बतलाता है। क्या दृष्टांत दे दिया, एक कमरे में बहुत सारे दीपक रखो, ऐसे तीन लोक में अनंत द्रव्य, तीन लोक में अनंत द्रव्य दृष्टांत कह दिया, एक कमरे में बहुत सारे दीपक जलाओ, लेकिन एक दीपक बुझाओगे ना तो उसका दीपक का प्रकाश अलग हो जाएगा,
एक दीपक का प्रकाश दूसरे दीपक के प्रकाश में नहीं मिलता। अब यहां पर प्रकाश प्रकाश देखो तो एक दो तीन चार तीन टॉर्च जल रही है ट्यूबलाइट, तो अभी तुम्हें लगा सबका प्रकाश एक दूसरे मिल गया, मिला नहीं है। जिस ट्यूबलाइट को बंद करो तो उसी का प्रकाश खत्म होगा। ऐसे इस विश्व में छह द्रव्य हैं, लेकिन मेरा आत्मा सबसे पृथक, समझ गए? सरल है, बाकी तो कठिन तो नहीं लग रहा इसमें कोई। देखो मैं छह द्रव्य के लक्षण बता दिए, लेकिन उनका पर प्रकाशक बना दो, सबका मिला हुआ है ना? मिला कहाँ है? जो दीपक रखे हैं सब नहीं मिला है, वो ही तो कह रहे पर प्रकाशक भी नहीं मिला है। एक दीपक बुझाएंगे तो उसकी रोशनी बुझेगी, बाकी सबकी तो रहेगी। हाँ, एक दीपक को बुझाएंगे तो उसी का सब प्रकाश प्रकाश खत्म होगा, बाकी का प्रकाश तो रहेगा। अर्थात प्रकाश के प्रदेश एक दूसरे में मिलते ही नहीं। ऐसे छहों द्रव्य में से जीव 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 हो तो मेरा ज्ञान मेरे में ही रहने वाला, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे में रहने वाला है। बहुत अच्छी चर्चा है। हमारे तो माता जी गुजर गई, पिताजी गुजर गए, अब हमारा क्या होगा? अरे तो भी होते तो अभी उनका प्रकाश तुम्हारे काम का नहीं था, और तुम्हें तब भी वे होते तो भी तुम्हारा आत्मा अपने बल पे सम्यक दर्शन कर लेता। हाँ, कितनी बढ़िया बात है। जीव अकेला हो, जंगल में हो, अनंग सरा की तरह हो, जंगल में हो तो भी सम्यक दर्शन कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि वो अकारण है, स्वतः सिद्ध है, पर निरपेक्ष है, दूसरे जीवों की जरूरत ही नहीं। आज मायू रोगन मोक्ष चले तो अपन कोई तकलीफ, तुम चाहो तो अभी सम्यक दर्शन कर लो। क्यों? तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे पास है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम्हारा ज्ञायक तुम्हारे ज्ञान में झलक रहा है। उसे देखो कितना स्वतः सिद्ध जोरदार है। बहुत सारे देवता आ जाते अनंत भगवान तो भी हमें फायदा नहीं था, वो आज नहीं है तो कोई कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट नहीं है। किसी को ये शिकायत हो सकती है लोक व्यवहार के लिए, आज हमारे पिताजी होते तो लोक व्यवहार के लिए शिकायत हो सकती है, लेकिन आत्मानुभूति के लिए कोई शिकायत। आज हम पर पैसा नहीं है, यश नहीं है, आप यश है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव को जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतनी बढ़िया चर्चा लिखी, शायद जी बिल्कुल मस्त रहे वो फकीरों जैसे। क्या कहलाता है वो, क्या कहलाता है, मैं भूल जाता हूँ हर बार, शब्द अच्छा है वो, जब बाद में याद आता है मुझे। माने साधु, हम एक ऐसे साधु होते हैं, अवधूत, अवधूत, अवधूत योगी, बिल्कुल शरीर से बेपरवाह, बिल्कुल बेपरवाह, कहीं भी सो जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, कहीं उठ जाएंगे, मुझे यही लग रहा है कोई देख रहा है, मैं तो बैठेंगे तो सो रहे। अब दूत ही होगी। जैनों में भी होती है, हिंदुओं में ज्यादा होते हैं, लेकिन अपने भीतर आगे मुझे आज कोई अब दूत ही होगी कहते, मैंने बिल्कुल धुत है, धुत, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं मिला मुझे मत मिला, हमारा क्या चला गया, हम तो भगवान है, हम तो भगवान, हम तो भगवान है, आप लोग खूब मस्त। लिखना बिल्कुल, लिखोगे तो समझ बहुत आया, अभी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन लिखोगे तो बहुत समझ में आएगा। ऐसी महिमा से डूब जाओगे, वो सचमुच ध्रुव का अनुभव करने के लिए कह करके विश्व में सबसे सरलतम मार्ग बता दिया। यदि पर सापेक्ष होता जैसे हम तुमसे बेटा 1 करोड़ का दान करो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, तुम अभी रोन लगोगे, क्योंकि पर सापेक्ष हो गया। सम्यक दर्शन क्यों सरल है? पैसा नहीं, मत ध्रुव के वेदन करने के लिए पैसे की कहां जरूरत, दान की कहां जरूरत। इसलिए मुनि पक्ष जो कहते हैं ना, मुनि पक्ष, उससे मार्ग असंभव हो जाता है, कठिन नहीं कह रहे, असंभव, असंभव हो जाता है। क्यों कह रहे? दान दो, व्रत पूजा पाठ करो, सेवा करो, पूजा करो, मंदिर बनवाओ। अब जो गरीब हो तो नहीं बनवा पाए, दान नहीं दे पाएगा, फिर क्या होगा? मैंने 1 पैसा भी दान नहीं दे सकता और भगवान बन सकता है? नहीं, पैसे कोई बात नहीं, त्याग तो कर सकते हो। डॉक्टर साहब ने बहुत लिखा पढ़ा हुआ था, दान से त्याग अनंत गुनी कीमत वाला है। 1 पैसे का त्याग दान ना कर पाए और 3 लोग का त्याग कर सकता है। डॉक्टर साहब ने गजब खोला है, दान और त्याग का गजब ही खोला है। मैंने दान करने के लिए तो कमाओगे उतना दान कर पाओगे,
लेकिन त्याग करने के लिए बिना कमाए हुए तीन लोग का त्याग कर लो, तीन लोग का त्याग कर दे। दान करना होगा तो लौकी सब्जी बनानी पड़ेगी तब दान दे पाओगे, और त्याग करना है तो लौकी खरीदो ही मत, आलू का त्याग कर दो, ना खरीदना ना लाना ना कुछ करना, ऐसी चर्चा है। यदि कोई कहेगा ना कोई उपाय करो अष्टमी चतुर्दशी का उपास करने से मोक्ष होगा, असंभव हो जाएगा मार। अभी अभी हम तुमसे कहते हैं चतुर्दशी के दिन उपवास करो तो सम्यक दर्शन होगा, तो एक धड़कन तो यही बढ़ती रहेगी, यदि चतुर्दशी के पहले देह छूट गई तो, देह छूट गई तो, देह छूट गई तो अब मेरा सम्यक दर्शन क्या होगा, मर नहीं जाऊं, मर नहीं, अरे इसी क्षण सम्यक दर्शन करो मोक्ष जाओ, मोक्ष जाओ मतलब यदि आयु पूरी हो रही तो इसी क्षण सम्यक दर्शन कर लो, आयु पूरी हो रही हो तो क्यों ध्रुव, सच कह रहे ध्रुव लिखोगे तो बहुत महिमा आएगी, मुझे तो ये समझ लो 24 घंटे ध्रुव ही ध्रुव छाया है बस, इतने दिन हो गए कभी ऐसा नहीं मिला हुआ जब मैं ध्रुव की बात ना की, चाहे अकेले हो चाहे सबके सामने, ठीक है। तो इस तरह से एक इस प्रकार जिसने स्वयं पर का विवेक निश्चित किया है ऐसे इस आत्मा को विकारकारी विकार करने वाला मोहंकार का प्रादुर्भाव नहीं होता, अर्थात ऐसा निर्णय करने वाला, ध्रुव का निर्णय करने वाला, ध्रुव का अनुभव करने वाला जीव द्रव से भी भिन्न देखने लगा, पुद्गल धर्म धर्म आकाश का से भिन्न अनुभव करने लगा, अब उससे मोह अंकुर क्यों उत्पन्न होगा, अर्थात अब उसे मोह कभी नहीं उत्पन्न होगा। भावार्थ स्व पर के विवेक से मोह का नाश किया जा सकता है, स्व पर के विवेक से मोह का नाश किया जा सकता है, स्व पर का विवेक, अब ये शब्द कम पड़ते हैं, बहुत कम है स्व पर का विवेक, हम तो सीखे स्व पर का विवेक, अरे लिखो तो समझ में आया स्व पर का विवेक है ना, जिनागम के द्वारा स्व पर के लक्षणों को यथार्थतया जानकर किया जा सकता है, आगम से जिनागम से पढ़कर के इसका भेद विज्ञान किया जा सकता है, विवेक की विवेक करना हो ध्यान रखना, विवेक करना है, इतनी चर्चा करिए है ना, अगली गाथा करेंगे। देखो अब विवेक की चर्चा करा रहे हैं, तुम लोग बोलो हम सुनेंगे, चाहो तो मैंने बिल्कुल मदद करेंगे तुम्हारी, यह विवेक शब्द बहुत काम का है, धारणा नहीं ली स्वपर की, धारणा नहीं ली स्वपर का, छियोपशम नहीं लिया स्वपर का, प्रवचन नहीं लिया स्वपर का, श्रवण नहीं लिया, यदि हम प्रवचन करें ऐसी लंबी चौड़ी रामायण है, क्या लिया स्वपर का विवेक, स्वपर का विवेक क्या होता है, स्वपर का विवेक क्या होता है, तो हम शब्द शब्द ही कहना पड़ेंगे कुछ न कुछ, मैंने उसके अर्थ तो नहीं बताया, पकड़ लोगे तो पकड़ लोगे, हम ज्यादा शब्द नहीं बोलेंगे, स्वपर का विवेक क्या चीज होती है, देखो अपनी चीज है तो उसमें प्रसन्नता आती है, ऊपर आई चीज तो वितरागता आती है, ये विवेक है, अपने पिताजी अरे कब आए, और दूसरे के पिताजी देख के कोई है, कोई है, कोई अब देखो पर माने कोई, और एक एक झलक भी दिख जाए ना ऐसे लगी रहे एक झलक लग, अरे और दूसरा कोई आया सोच मतलब कोई होगा पर बैठ के सुनाते रहे, वो चाहे इधर बैठ जाए चाहे इधर बैठ जाए चाहे उधर बैठ जाए, और अपने पिताजी है तो एकदम क्लिक हो गया, एकदम सम्यक दर्शन विवेक, जय विवेक क्लिक हो गया एकदम, अब प्रवचन सुनना ही नहीं पड़ेगा, अब तो वहीं जाओगे, कब आए कैसे आए बता के नहीं आए, फोन नहीं किया, कहाँ ठहर गए, कहाँ है, मैंने पूरा दिमाग चल दिया, ऐसे स्वयं में पूरा उपयोग चले, ऊपर के नाम पर उपयोग ना चले, इसका नाम स्वपर विवेक, मैं एक दृष्टांत भी समझा दीजिए, आप कल बनाओ कितने दृष्टांत, स्वपर भेद विज्ञान करना, फिर कह रहे यहाँ छियोपशम की कही होती तो कठिन पड़ जाती थी, फिर तो तुम्हें हो जाता इन्हें नहीं होता, मान लो तुम्हें नहीं होता इन्हें हो जाता, तो यह छियोपशम नहीं कहा, धारणा नहीं कहा, और हम पूरी मेहनत का ही करते पता है, एक मैंने एक माहौल ही होता है, सारे विद्वान इतने ग्रंथ रट रहे हैं, उनमें भी रट ली, अब जो सोबाजी चालू होगी सोबाजी
अन्ना जी से ज्यादा लोगों ने अपनी अपनी बातें याद करी, अन्ना जी का वो लिखा है ना, तो उनकी वजह से मैंने इतना याद कर ली, फिर मैंने याद कर ली, फिर मैंने इतने ग्रंथ सुनाए, फिर अभी तक याद है और मैं करता रहूंगा और भविष्य में भी श्रद्धांजलि याद करता रहूंगा। अरे उनकी उनका कैरेक्टर क्या था ये तो बताओ। मैं बहुत अलग से सोच रहा हूं उनके बारे में, इस महिमा से क्या फर्क पड़ेगा, इस महिमा से क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे काम करने वाले बहुत हैं, प्रकाशक, लेखक, संपादक, ऐसे काम करने वाले बहुत हैं, बहुत हैं, अपने में नहीं बहुत हैं। बुराई की अपेक्षा नहीं कर रहे, उस एंगल से देखो, ध्रुव के ध्रुव देखा कि नहीं देखा, ध्रुव दिखाते कि नहीं दिखाते थे, ध्रुव कीमत उसकी है। बाबूभाई बहुत दृष्टान दे देते, ऐसे ऐसे दृष्टान दे देते कि तुम बताओ तुमने क्या धर्म किया जीवन में। हाय बहुत धर्म किया। अच्छा तो सबसे पहले तो तुलना करता है दूसरों को, देखता है कि वे लोग तो इतना भी नहीं कर रहे, वे तो इतना भी नहीं कर रहे, हम तो हर साल तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, रोज सुबह उठ के प्रक्षाल करते हैं, 5 बजे पहुंच जाते हैं। और जैसे कोई श्रद्धांजलि में बोले तो क्या बोले, भैया चाहे पानी बरसाए, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, तो 5 बजे पक्के में पहुंच जाते थे, बिल्कुल अभिषेक टाइम पे करने लगते। हम कह इसमें क्या क्या गुण है इसमें, तो ऐसे तुमने तुलना कर ली, हमने बहुत धर्म किया, तो तुम कौन से तुलना करके कह रहे हो उनसे। वे नहीं जा रहे मंदिर, हम जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, खाते पीते हैं, त्यागते हैं। तो बाबूआ जी बोले नहीं, ध्रुव को देख के बोले, ध्रुव को नहीं जानते थे, जीरो पहले जातम ज्ञान बिना सब लेस ना पायो, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवा को उपजायो। अब कहा से हमसे हमसे कहो तो हम तो इसी में होमवर्क कराएंगे, होमवर्क करो इस लाइन पर। तुम कहा से खुश हो रहे हो कि हमने बहुत बड़ी प्रवचन किया, मान लो तुमने बहुत बड़ी प्रवचन किया, वो आए सब अष्टान का, तो अब गाता बनाओ, अष्टान का में प्रवचन अनंत बार करो पर सुख लीस न पायो। ध्रुव को जाने में तो सुख लीस तभी नहीं पाया, तो अब कैसे पाएगा। मैं तुम्हारा बोल प्रवचन करने भी चला गया, तो फौरन याद आई, मम्मी आज बहुत तारीफ हो रही थी, पापा बहुत तारीफ हो रही थी, तो ध्रुव का क्या हुआ। हमने तो आज भैया उपवास किया, सो तो ठीक हुई बात, ध्रुव तो मुनि वृद्धार अनंत बार माने 28 मुनगुण एक एक मुझ जिसमें तुम खुश हो रहे, लिखते जाओ। हमने 1000 शास्त्र पढ़ लिए और याद है, तो ये तो छिप सम की विशेषता हुई, ध्रुव का है। अब ऐसे तुम लिखो तो तुम समझो पकड़ लोगे, समझो मैं हम सच कह रहे हैं, समझ सरल लेकिन वो इतना कठिन हो रहा है। मैंने आपका क्या जैसे रेलगाड़ी देखी, रेलगाड़ी रेलगाड़ी स्टेशन चलती है, फिर वो उस पर जाना पड़ता है, तो मैं ट्रैक चेंज होता है। अब मान लो ट्रैक गलत चेंज हो जाए तो गलत ट्रैक पर चली गई, फिर उसी दिशा में चली जाएगी, जैसे जंक्शन होता है, जंक्शन जाना इस तरफ चली गई, जंक्शन होते ना ऐसे जाना था ऐसे चली गई। ये इतना सा डायरेक्शन बिगड़ा और अपोजिट हो गया, पढ़ो अभी अखबार में आया था कौन कौन हीरो थे, कौन कौन थे, क्या थे पता नहीं, जयपुर जा भी निकली थी, पहुंच गई कलकत्ता, हुआ था ना लॉकडाउन, लॉकडाउन में एक या दो ट्रेन ऐसी हो गई थी, अब कभी हो ही नहीं, चली जा रही दंदनाथ गाड़ी, जाना थी जयपुर हैदराबाद से या बम्बई से, बम्बई से जयपुर जाना थी, हैदराबाद पहुंच गई, ये कहाँ पहुंच गई। अब ये ट्रैक बदला, यहाँ से अनादि काल से तुम धर्म करने के नाम पर ट्रैक बदल गया, क्या अभी तो मान लो 10 ग्रंथ याद जाए तो 100% खुशी हो जाएगी,
इन्हें बताओगे, उन्हें बताओगे, और गुरु जी को बताओगे, अपने मम्मी पापा को बताओगे, और है क्या है? वो ट्रैक बदल गया और जब समय दर्शन सरल था, इसलिए फिर क्या ध्रुव को नहीं पहचानोगे तो ट्रैक बदलेगा, आज तुम्हारी ताकत बन जाए, हमसे भी अच्छे रहने लगो और हम भी तारीफ कर दें, 10 लोग भी तारीफ कर, उसमें लिखा है श्रद्धांजलि में, मेरे लिए तो वर्ल्ड कप से भी ज्यादा है उन्होंने मुझे रुपए दिए, अन्ना जी ने मेरे लिए तो वर्ल्ड कप से भी ज्यादा है उन्होंने मेरी तारीफ की, डॉक्टर साहब से उन्होंने सबके सामने कहा मेरी, मैं तो धन्य हो गया। मैं इसमें ध्रुव का तो आते ही पता नहीं कहीं, अब तुम्हें ध्रुव की महिमा रही ना, तो तुम्हें कभी तुमने मेरे सुना, मैं डॉक्टर साहब मेरी तारीफ की, मैंने तुम्हें सुनाया फलाने मेरी तारीफ की, हम तो पंडित साहब को इतनी सी अपनी अच्छी बात नहीं बताते, क्यों, हम इलाज कराने गए, हम रोगी हैं और वो हमारे वैद्य हैं, तो हम तो इलाज कराने गए, उन्हें अपनी कमियां बताते हैं, अच्छाइयां नहीं बताते, हमारे आचरण में, हमारे ब्रह्मचर्य में, हमारी पढ़ाई में, हमारे कुछ काम में जो दोष रह जाता वो कहें, अपन गुण क्यों कहें, और अब भी हमें गुण क्यों कहें, हम गुण समझने जाते भी नहीं, तो हमारी कमियां बताते हैं, वो कमी दूर करने का उपाय बताते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ध्रुव देखोगे तो इतना फर्क पड़ जाए, नहीं तो तुम जी कहोगे अरे भाई साहब बहुत शिथिलाचारी थे, इतनी उम्र हो गई शिथिलाचारी, मैंने तो पक्का था उसको, ऐसे खाता था, ऐसे पीता था, ऐसे करता था, ऐसे करता, तो तुम्हारा ट्रैक बदल गया। हम कह रहे अशुद्ध भोजन को त्याग, शुद्ध भोजन अनंत बार कियो, पहने आत्म ज्ञान बिना सुख नहीं पाए। लिखो कितने पॉइंट बना सकते हो, अब तुम दो चार लिखो फिर हम ट्रैक बताएंगे, अभी बता ही दिया, हालांकि बढ़ाते जाओ, हमने बहुत अच्छे प्रवचन करे, तो प्रवचन करके अनंत बाल ग्रीव उपजाओ, पैर नहीं आत्म ज्ञान बिना सुख नहीं पाए। सब जी भगवान में विराजमान करवा, 1 करोड़ के 1 करोड़ के भगवान अनंत बार विराजमान करवा के गरीबक उपजाए, पै नहीं जा तुम ज्ञान में न सुख, तो बाबू भाई ऐसे खूब विस्तार कर समझाते कि तुम धर्म की लिस्ट बताओ क्या क्या है, तो तुम जितनी लिस्ट बनाओगे, हम धर्म की शुरुआत तो ध्रुव से होती, पाँव के हाथ लगे बैठे हैं, अब छूना मत, आगे समझ में आए। तो स्वपर का विवेक मतलब यही, तुम्हें ध्रुव समझ में आ गया तो एकदम मस्ती आ गई, एकदम आनंद आ गया, ये विवेक है। लेकिन ध्रुव की बात आई, हाँ भैया ठीक है, बात तो सही है, बात तो सही, तो तुम स्वयं का विवेक कहाँ कर रहे हो, उसे पर समझ रहे, मैंने जिसकी कोई कीमत नहीं उसका नाम पर, जिसे देखते से रोमांच हो जाए उसका नाम स्वयं। अभी क्या होता था, हमारे पिताजी को कोई कोई है, कोई है, अरे पति सेठ होगा था कोई, हमारे कोई नहीं, पर माने हमारी कुछ नहीं, तो स्वयं पर का विवेक ऐसा हो, अपनी चीजें तो संभाल ली, दूसरे की पड़ी रहने, स्व पर विवेक कर, तो इसलिए बहुत अच्छा शब्द आगम के आधार से स्व पर विवेक किया जा सकता है, आगम के आधार से स्व पर का विवेक किया जा सकता है। लिखोगे तो सच कह रहे, बहुत हमें तो स्पष्ट, निर्णय करोगे तो आनंद आएगा, बस हम भी चाहे तो रटे रटा प्रवचन करते हैं इस पे, लेकिन हम नहीं, हमें तो दिख रहा है, हमें तो चिंतन चलता है, आप जो कहोगे तो हम झट कहेंगे देखो इससे चूक गए, तुम देखो यहाँ चूक गए, देखो यहाँ चूक गए, अभी रास्ते में अपन जा रहे थे, अपन का देह की मृत्यु की चिंता है, सबके चेहरे पे टेंशन है, कोरोना लॉकडाउन, कैसे जाएं घर, अब अतः करोड़ों का घर है अपनी और जा नहीं पा रहे, और चले जाए ऐसे जेल जैसे बंद रहना पड़ेगा, अपनी सामग्री लेकिन वो ही नहीं भाई, तो इसकी इतनी चिंता है, और मिथ्यात की सम्यक दर्शन की उसकी कुछ पता ही नहीं, ये है स्वपर विवेक पहचान।
स्वपर का विवेक कर, खूब संभाल करो, उपयोग लगाओ, प्रसन्न हो जाओ, यही तो स्व है। अब पर में छेद्रव्य की चर्चा ले लिए, तो एक्चुअली अब प्रॉब्लम खड़ी करोगे तो वो छेद्रव्य भी काम आएंगे। अरे वाह, मैंने इनको जगह दी। अरे तुमने जगह कैसे दे दी? वो तो आकाश का काम था। अरे जी ऐसे आए थे, कोई नहीं थे, तो आज इतने बड़े हमने कर दिए। अरे अब काल द्रव्य का क्या हुआ? ऐसे भेद भी गया। और तुम तो द्रव्य, तुम अपनी पर्याय की करता नहीं थे, इनकी पर्याय करता कैसे हो? लगा दिया कि ये मकान हमने बनाया, बड़ा मजबूत है, भूकंप में भी नहीं गिरा, इतना मजबूत बनाया, पुद्गल करता तुम कैसे हो? गिरेगा कि नहीं गिरेगा तो उसकी योग्यता लगी, तुम उसके करता कहां से हो? मैं ऐसे लेके पूरा आगम ले ली, जिनागम सब लिखा, जिनागम तो जिनागम में छह द्रव्य सात तत्व की चर्चा है, द्रगुण पर आएगी, तो उसका विचार करने पर ये जीव स्वपर का विवेक कर सकता है, और स्वपर का विवेक करते ही उसको मोह का अभाव हो जाएगा। मोह का अभाव कहो, दुख का अभाव कहो, बंध का अभाव कहो, टेंशन का अभाव कहो, सब हो गया। तब क्या होगा? तुम बम्बई से दिल्ली तक या अपने घर तक सुरक्षित आ गए, और वहां खूब डकैती पड़ी, खूब चोरियां हुई, तुम्हारा कुछ नहीं गया, तुम्हें कैसा लग रहा? यही तो स्वयं का विवेक हो गया। भैया पूरे रास्ता खतरा बहुत था, डाकू आए, फला आए, जे आए, वे आए, और लूटपाट भाई, मारपीट भाई, सब कुछ हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ, यही तो आनंद है। ऐसे अनादिकाल से बहुत कुछ हुआ, शरीर का बहुत कुछ हुआ, परिणामों का बहुत कुछ हुआ, शिवसम का भी बहुत कुछ हुआ, संयोग का बहुत कुछ हुआ, पुण्य पाप यश अपयश सब कुछ हुआ, लेकिन मुझ शुद्ध चेतन ध्रुव स्वरूप का कुछ नहीं हुआ। इसी का नाम समझ गए, समझ करना विचार, लिख के दिखाना ध्रुव का अनुभव। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध सर